आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे मॉन्यूमेंट के बारे में जो कि बहुत एक्सेप्शनल है, ना सिर्फ अपनी ब्यूटी को लेके, लेकिन इसलिए भी क्योंकि उसके पीछे बहुत सारी मिस्ट्रीज जुड़ी हुई हैं। और वो मॉन्यूमेंट जो आज से 5000 साल पहले बना था, उसको लेके आज भी आर्कियोलॉजिस्ट्स एंड एक्सपर्ट्स उसकी मिस्ट्रीज को अनकवर करने में जुटे हुए हैं। तो आइए बात करते हैं हमारे आज के टॉपिक के बारे में, दैट इज द मैग्निफिसेंट स्टोनहेंज। Stonehenge is a prehistoric monument in Wiltshire, England. ये word prehistoric का एक बहुत बड़ा relevance है। Prehistoric मतलब वो period जब history लिखी भी नहीं गई थी। History के records बनने शुरू हुए आज से 5000 साल पहले और ये monument built हुआ around 2500 BC. The shape of this monument is in the shape of a ring, which means बड़े बड़े stones को place किया गया in the shape of a ring or a circle also you can say. यहाँ पर जो stones हैं वो काफ़ी लंबे और काफ़ी heavy हैं, इन जिनकी height 13 feet से लेके 30 feet तक जाती हैं और weight भी 22,000 से लेके 36,000 kgs का है, which means अगर हम एक comparison करें तो 22,000 is equal to almost the weight of 4 elephants. यानी कि अगर हमें चार हाथियों को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना हो तो सोचो वो कितना मुश्किल काम होगा, उतना वेट एक स्टोन का था। स्टोनहेंज की एक और खास बात है, इसकी कंस्ट्रक्शन किसी एक एरा में नहीं हुई, इसकी कंस्ट्रक्शन 1500 सालों में स्प्रेड है। इसकी शुरुआत हुई 3000 BC में और वो 1500 BC तक अलग अलग फेजेज में चली, फ्रॉम द न्यूलिथिक पीरियड टू द ब्रॉन्ज एज। For centuries, historians and archaeologists काफ़ी puzzle रहे ये ढूंढने में कि Stonehenge कैसे बना और किसने बनाया, क्योंकि इसकी कहीं भी कोई records नहीं है और ये monument अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ है, because it is comprised of roughly 100 massive upright stones placed in a circular layout. लेकिन बहुत सारे scientific research के बाद इसके साथ बहुत सारे myths associated हैं। एक मिथ ये माना जाता है दैट स्टोनहेंज वॉज अ बरियल ग्राउंड, यानी कि शमशान घाट। इसको सैक्रिफिशियल एंड सेरेमोनियल साइट के लिए भी बनाया गया था, जिसको कि रिलीजियस पिलग्रिमेज से भी कनेक्ट करा गया है। इन द ईयर 1960s, जेरल्ड हॉकिंस नेम के एक एस्ट्रोनॉमर ने सजेस्ट किया कि स्टोनहेंज की कंस्ट्रक्शन एक एस्ट्रोनॉमिकल कैलेंडर के पर्पस के लिए बनाया गया था, जहाँ पे कंस्ट्रक्शन के डिफरेंट पॉइंट्स एस्ट्रोलॉजिकल फिनोमेना को कॉरेस्पॉन्ड करते हैं, जैसे कि सोल्स्टिस, इक्विनॉक्सेस एंड इक्लिप्सिस। इफ़ यू वांट टू नो मोर अबाउट दीज फिनोमेना, प्लीज कमेंट बिलो, ताकि हम अगली वीडियोस इन टॉपिक्स के ऊपर कवर कर सकें। मोर ओवर, कुछ रिसेंट एक्सकवेशन एंड रिसर्च के बाद एक्सपर्ट्स का ये भी कहना है कि ये साइट को एक प्लेस ऑफ हीलिंग की तरह यूज़ किया जाता था, as they have found signs of illness and injury in the human remains, and ye kehte the ki blue stones are credited with curative powers. So is monument ki construction kaise hui? Well, iske piche bhi bahut sari theories hain aur kafi theories supernatural aur anachronistic angle bhi cover karti hain, because ye manna bahut mushkil hai ki prehistoric logo ne bina kisi machinery ke itne heavy aur huge stones kis tarah se transport kiye us site ke upar. Well, the most common theory suggests that the prehistoric builders tree ke log se track banate the aur uske upar megaliths ko roll kiya jata tha from one place to another, and finally wo apne destination pe pahunchaye gaye. एक थ्योरी ये भी सजेस्ट करती है कि बिल्डर्स ने स्ले प्रिपेयर किया जिस पे मेगालिथ्स प्लेस करे जाते थे, और फिर वो स्ले का रास्ता एनिमल के फैट से लुब्रिकेंट करे जाते थे, जिससे कि वो सरफेस बहुत स्लिपरी हो जाता था और इजीली मूव कर लेता था। इस थ्योरी को साइंटिस्ट ने 1995 में सक्सेसफुली प्रूव भी किया, जब इस सेम सिनेरियो को रिक्रिएट किया जहाँ पे 100 वर्कर्स ने पुश एंड पुल टेक्निक से एक मेगालिथ स्लैब 29 किलोमीटर्स तक मूव करी। बट द मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मेगालिथ्स इज दैट जो बिल्डर्स थे उन्होंने स्लेजेस एंड रोलर्स ट्री को ट्रंक से बनाकर प्रिजलाई हिल्स से वाटर बॉडी तक लेके आए, और फिर ये बोल्डर्स को राफ्ट में ट्रांसफर किया थ्रू द सेम राफ्ट वेल्च कोस्ट से रिवर एवन तक टुवर्ड्स सैल्सबरी प्लेन्स तक पहुंचाया और फिर साइट पे ट्रांसपोर्ट किया। वेल, सम साइंटिस्ट
also say कि इसमें humans का कोई हाथ था ही नहीं. In fact, glaciers के help से वो सब stones वहाँ पर पहुँचे. लेकिन इतने हैवी स्टोन्स ग्लेशियर्स के हेल्प से पहुंचना एंड एग्जैक्ट नंबर में पहुंचना और उस शेप में फॉर्मेट हो जाना, ये मानना थोड़ा मुश्किल है. अगर हम स्टोनहेंज की आज की स्टेट के ऊपर बात करें तो आज वो वन ऑफ द मोस्ट फेमस एंड रिकग्नाइजेबल साइट्स है इन द वर्ल्ड एंड ड्रॉज मोर देन 8 लाख टूरिस्ट अ ईयर. In 1986, स्टोनहेंज वॉज एडेड टू यूनेस्कोज रजिस्टर ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स. Stonehenge is a monument surrounded by mysteries, but साथ ही साथ इसकी simplicity and serenity is just amazing to witness. इस monument के बारे में जानकर ये पता लगता है कि the zeal of the humans, चाहे वो prehistoric हैं या modern society के हैं, कोई भी hurdle पार कर सकते हैं. इसकी craftsmanship and quality of raw materials इस बात का witness है कि ये monument centuries के बाद भी erect है and उतना ही beautiful है जितना उस time में था. A question thus arises कि ऐसे और क्या achievements हैं जो mainstream media के नीचे buried हैं and ऐसे और कितनी sites हैं जिसके बारे में हम लोग जानते नहीं हैं. I hope आपको हमारी ये video भी पसंद आई होगी और अगर आपको और ऐसी videos चाहिए then do subscribe to our channel and also press the bell icon so that you can get new updates.